ज़ॉम्बीज कई तरह के होते हैं और हमने ये अपनी पुरानी एक वीडियो में डिटेल में जाना भी है कि ब्रॉडली ज़ॉम्बीज कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और भी बहुत कुछ। पर कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि ज़ॉम्बीज की एक ऐसी भी स्पीसीज है जो ह्यूमंस है। क्या नहीं समझे? देखो, व्हाट आई सिंपली मीन टू से कि एक ऐसे तरह के ज़ॉम्बीज भी एग्जिस्ट करते हैं जो कैनिबल्स तो हैं पर एक्चुअली में वो इंसान ही है। और इस स्पेशल तरह के ज़ॉम्बीज को आई एम लेजेंड फिल्म में भी मेंशन किया गया है। अब जिन्हें नहीं पता, आई एम लेजेंड रिचर्ड मैथसन की नॉवल पर बेस्ड एक फिल्म है एंड आई गेस एवरी ज़ॉम्बी लवर्स नो कि ये फिल्म कितनी ज्यादा पॉपुलर है। पर फिर भी अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये फिल्म क्या है और किस बारे में है और इसमें किस तरह के ज़ॉम्बीज को मेंशन किया गया है। तो इस फिल्म में बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट नेविल यानी कि विल स्मिथ पूरे न्यूयॉर्क सिटी का अकेला सर्वाइवर जिंदा बचा है क्योंकि अब सभी लोग या तो डार्क सीकर्स बन चुके हैं या तो मारे जा चुके हैं। अब डार्क सीकर्स वगैरह क्या हैं ये सब मैं आगे बताऊंगा, पर मेनली ये पूरी फिल्म डॉक्टर रॉबर्ट नेविल के लाइफ के अराउंड ही घूमती है कि कैसे वो अकेला है और वो कैसे अपनी लाइफ काट रहा है एक ऐसे शहर में जहां रात को गलती से भी नहीं निकलना है वरना एक ऐसे क्रिएचर से पाला पड़ेगा जो इंसानों को कच्चा चबा जाता है, मतलब कि डार्क सीकर्स। पर एक्चुअली में जो ये डार्क सीकर्स हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है क्योंकि एक मोशन कॉमिक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो डार्क सीकर्स जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन है, मतलब कि इस कॉमिक में हमें उनकी पर्सपेक्टिव देखने को मिलती है कि वो कैसे ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं और कैसे क्या प्रॉब्लम्स उन्हें होती है, क्यों वो किसी और को खाने लगते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करें कि डार्क सीकर्स को मैं इंसान क्यों बोल रहा हूँ, क्यों वो वाकई में एक बहुत मिस्टीरियस और यूनिक तरह के ज़ॉम्बीज हैं। डार्क सीकर्स को जब मैं इंसान बोल रहा हूँ तो उनके कैनिबल होने की यानी कि दूसरे इंसानों को खाने के क्या रीजंस हैं और जिस मोशन कॉमिक्स की थ्योरी की मैं आगे बात करने वाला हूँ उसमें डार्क सीकर्स के बारे में और आई एम लेजेंड के बारे में और क्या क्या बताया गया है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि वाला। अब इससे पहले कि हम ये समझें कि डार्क सीकर्स ह्यूमन कैसे थे, उससे पहले हम थोड़ा डार्क सीकर्स के पास्ट को जान लेते हैं। तो जिन्हें इसका जरा भी आइडिया नहीं हो, मैं बता दूं कि आई एम लेजेंड की ओरिजिनल नोवेल 1954 में आई थी और जो फिल्म हमें देखने को मिलती है वो नोवेल की एक लूज एडेप्टेशन है, मतलब कि फिल्म में थोड़ा मसाला और डालने के लिए कहानी को तोड़ा मोड़ा जाता है। पर व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग कि आई एम लेजेंड के क्रिएटर्स को इसका आइडिया था कि उन्हें फिल्म के स्टोरी को मैनिपुलेट तो करना चाहिए पर कहीं ना कहीं ओरिजिनल नोवेल की स्टोरी कुछ ज्यादा इम्पैक्टफुल है तो उन्हें वो छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें एक एनिमेटेड मोशन कॉमिक्स भी डीवीडी और ओरिजिनल प्रिंट में मिलती है और यूट्यूब पर भी वो अवेलेबल है जिसमें डार्क सीकर्स के पर्सपेक्टिव यानी कि डार्क सीकर्स के नजरिए को हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो जस्ट एक ह्यूमन है। तो आई एम लेजेंड के एनिमेटेड मोशन कॉमिक्स के पार्ट 3 यानी कि शेल्टर में हमें क्रिपिन वायरस जिस वायरस से डार्क सीकर्स में लोग कन्वर्ट होते हैं उसके इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम को और इस वायरस से किसी पर्टिकुलर जगह पर हो रहे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को दिखाया जाता है। तो शेल्टर नाम के मोशन कॉमिक्स में हमें इंडिया की एक फैमिली को दिखाया गया है जो कि महामारी और पैंडेमिक से बचने के लिए एक बंकर में छिपने के लिए जा रहे होते हैं। खैर, बंकर एपोकलिप्टिक सिनेरियो में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। तो ये इंडियन फैमिली उस आउटब्रेक से सर्वाइवल से ही जुड़ी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं पर यहाँ सबसे बुरी बात तब हो जाती है जब परिवार में जो सबसे बड़ी बेटी होती है वो उसके पापा मम्मी के मना करने के बावजूद भी अपने बॉयफ्रेंड प्रीतम से मिलने जाती है। ऑब्वियसली बाहर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे वापस जाने को बोलता है तो वो लड़की प्रीतम से मिल करके हगी वगी करके वापस चली जाती है। लेकिन जब वो वापस घर पहुंचती है तो मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके घर वापस आने से पहले उसका पूरा परिवार बंकर के अंदर जा चुके होते हैं और वो उसे अंदर आने से मना करते हैं। वो बहुत बार चीखती है कि मुझे भी अंदर बंकर में आने दो पर उसके गार्जियन बंकर को अंदर से लॉक कर चुके होते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि 48 घंटे तुम्हें बाहर ही रहना होगा, अगर 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स तक भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो हम श्योर हो जाएं कि तुम वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो और सेफली तुम्हें अंदर भी बुला लेंगे। और चूंकि उसके बाप को भी उसकी बहुत ज्यादा चिंता होती है तो वो खाने पीने का सामान पहले से ही बंकर से बाहर रख दिए होते हैं। अब वो लड़की 48 घंटे बीतने का इंतजार करती है और उसे कफिंग और वोमिटिंग होने लगती है। वो आगे जोर से कहती है कि मेरी तबीयत जरूर बाहर रखे हुए खाने की वजह से खराब हुई होगी। उसके बाद लगातार वो लड़की बंकर में अंदर जाने की परिवार से भीख मांगने लगती है। अब ऐसे सिचुएशन में जस्ट सपोज कि आपका कोई नोन भी बंकर से बाहर है तो आप क्या करोगे? क्या आप उसे भी अपने साथ बंकर में रख लोगे जबकि वो किसी से पैंडेमिक के फैलने वक्त बाहर मिलने गया था? आप क्या करते उस सिचुएशन में, उस लड़की को अंदर बुला लेते या फिर बाहर ही रहने देते? कमेंट करके जरूर बताना। बैक टू द वीडियो। अब भी 48 घंटे नहीं हुए थे और तो और उसके लगातार अंदर जाने की विनती भी नहीं रुक रही थी। शी कंटिन्यूअसली रिपीट दैट फूड शायद अच्छा नहीं था इसलिए वो वीक फील कर रही है। पर अब वो बहुत ज्यादा इनफैक्ट पहले से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी और अब बंकर के अंदर में रह रहा उस लड़की का छोटा भाई ऐसी गलती करता है
जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, वो बंकर के दरवाजे को उस लड़की के लिए यानी कि अपनी बहन के लिए खोल देता है और ये उसकी फैमिली की वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक साबित होती है। उस लड़की के भाई ने ये भी नहीं देखा कि 48 घंटे हुए भी हैं या नहीं, बस उससे अपनी बहन की प्रॉब्लम और ज्यादा नहीं दिखी गई। पर अब होता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट और हमें उस लड़की के नजरिए से देखने को मिलता है कि बंकर के अंदर जो भी थे वो एक मॉन्स्टर थे, मतलब कि वो अपने फैमिली को एज अ मॉन्स्टर देख रही होती है, वो उन्हें पहचान नहीं पाती। और चूंकि उसे पूरा आइडिया था कि उसकी फैमिली किस तरह से दिखते हैं, तो वो एक एक करके बंकर के अंदर रह रहे सभी मॉन्स्टर को मारने लगती। और इतना ही नहीं, क्योंकि वो बहुत वक्त से कुछ खाए भी नहीं होती है, तो वो उन्हें ही खाने लगती है। हर एक बाइट के साथ वो और भी ज्यादा स्ट्रांग फील कर रही होती है। और इसके बाद जब बंकर में उसे अपने पैंट्स नहीं दिखते तो वो अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाने लगती है, जो कि इसी वायरस से अब इन्फेक्टेड भी हो चुका होता है। अब वो उसे भी इस बंकर के बारे में बताती है और दोनों साथ में आकर बंकर के अंदर रह रहे मॉन्स्टर को खाकर अपना पेट भरते हैं। और वो लड़की ऐसा कहती है कि उसके पापा का बंकर के अंदर छिपने का प्लान बहुत ही बेकार था, क्योंकि अब वो लड़की पहले से भी ज्यादा पावरफुल खुद को फील कर रही होती है। और इस एनिमेटेड कॉमिक वीडियो के एंड में हमें मिलता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। हमें ये पता चलता है कि जिसे वो शुरुआत में मॉन्स्टर समझ के मारती है और भूख के कारण खाती है, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की फैमिली होती है। अब आप सोच रहे हो कि मधुबुद्धि, जब तूने पहले बोला था कि बंकर में उस लड़की को कुछ मॉन्स्टर दिखते हैं, तो फिर अभी तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो मॉन्स्टर उसकी फैमिली होती है? क्या कुछ भी बता रहे हो? तो देखो, अब अगर आप कंफ्यूज हो तो समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, जब बंकर खुलता है तब हमें उस लड़की के पर्सपेक्टिव यानी कि उसके नजरिए से दिखाया जाता है, और बंकर खुलने वक्त वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिस वजह से उसे अपनी ही फैमिली मॉन्स्टर दिखने लग जाती है। मतलब कि सीधा समझो कि जब कोई डार्क सीकर बनता है तो वो पर्सन खुद के लिए तो एक इंसान ही रहता है, जैसे हम और आप, पर जब उसके सामने कोई एक्चुअल ह्यूमन आता है, मतलब कि अनइन्फेक्टेड पर्सन, तो वो नॉर्मल ह्यूमन भी उस इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि डार्क सीकर के लिए मॉन्स्टर जैसा दिखने लगता है। और इसलिए उस लड़की को भी अपना परिवार मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था, क्योंकि वो सभी लोग बंकर के अंदर सेफ थे, पर जब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो वो उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है, जिस वजह से वो लड़की खुद को तो एक नॉर्मल ह्यूमन लग रही थी और उसका बॉयफ्रेंड भी, पर दोनों अब डार्क सीकर्स बन चुके थे। और उसने जो भी अपने फैमिली पर अटैक किया वो ये सोचकर किया था कि वो उसकी फैमिली नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स ही हैं। तो आई एम लेजेंड की एनिमेटेड कॉमिक्स की स्टोरी यही है, और इसमें हमें डार्क सीकर्स के एकदम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया जाता है, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब अगर आप यहाँ तक देख लियो तो कमेंट में डार्क सीकर्स लिख देना। खैर, ये तो हम जान गए कि क्यों डार्क सीकर्स को मैं एक ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान बोल रहा था। एक्चुअली ऐसा सिर्फ डार्क सीकर्स का नजरिया होता है जब भी वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। पर क्या आपको आई एम लेजेंड में ही दिखाया गया क्रिप्टन वायरस के बारे में पता है? तो अब अगर उसे देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।